पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आश्वासन, भाषण, नफरत और विकास के नाम पर लूट का माहौल बना रखा है। जहां एक ओर राज्य में कोरोना महामारी के प्रति सरकार गंभीर नहीं है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ में राहत के नाम पर मंत्री से लेकर संतरी तक दोनों हाथों से लूट मचाए हुए हैं और बिहार की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि जन अधिकार पार्टी बिहार की जनता की पहली पसंद है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर सामान्य विचारधारा वाले पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। कि जो 30 साल लगातार जो पार्टी और खास तौर पर सुशासन बाबू जिन पर मेरा सबसे बड़ा सवाल 6 महीने का तनख्वाह देकर और प्लेन का टिकट देकर लगभग मजदूरों को यहां से लोग ले जा रहे, जो पैदल आए और एक आदमी को उन्होंने रोजगार दिया, तैयार होने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में बहुत क्लियर है। 40 सीटों पर हमारी पूरा का पूरा बूथ कमेटी तक बनकर तैयार हो गई। 2 सप्ताह के अंदर 100 सीट हम क्रॉस करेंगे। जब गठबंधन बिहार बचाने के लिए आएगा तो उसके साथ आगे बढ़े। अकेले बिहार को बचा लीजिएगा। पटना से अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।